हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गुड. सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.5. यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए. व्हाट इज एडजॉइंट ए एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए. क्लियर? सो कैरी ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई, दिस इज द थ्योरम नंबर 1. वेरीफाई ए into adjoint A is always equal to adjoint A into A is equal to determinant A into unit matrix. Clear? So आपको क्या करना है, इस relationship को verify करवा के दिखाना है. ठीक है? So देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास matrix जो है इसको consider कर लेते हैं हम. let the given matrix be A. इसको क्या मैंने let किया? A matrix. order of the matrix is 2 into 2. सो फाइंड आउट इट्स एडजॉइंट. सबसे पहले आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट. सो एडजॉइंट के लिए, फॉर इट्स एडजॉइंट, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कोफैक्टर्स. सो a11, a12 एंड a21, a22 आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स आपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिए, पोजिशंस यहाँ पे डिनोट कर दी. ठीक है? आप सबको पता है साइन यहाँ पे अल्टरनेट होते हैं. सो ये तो प्लस रहेगा, ये होगा माइनस, और ये आपका माइनस और ये प्लस. क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का सम जब आपने किया 2 और 1 का, तो आपके पास ऑड नंबर आया. -1 की पावर ऑड नंबर में नेगेटिव साइन यहाँ रह जाएगा. अब देखिएगा, डायरेक्टली हम इनके कोफैक्टर्स निकाल देते हैं. 2 का कोफैक्टर -6, तो -6 एज इट इज़ आ गया. ठीक है? 1, 2 का कोफैक्टर, 1, 2 आपकी ये वाली पोजीशन हो गई, तो ये डिलीट किया. -4, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +4. सिंपली जो आपकी थर्ड पोजीशन है a21, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट किया, 3 रिमेनिंग. सो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सो -3. एंड लास्ट a22 एज इट इज़ आपके पास ये आ गया. क्लियर है? अब एडजॉइंट ए की जो आप बात कर रहे हो, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स आपने मेंशन किए, इनका क्या करना है आपको? ट्रांसपोज. ट्रांसपोज डायरेक्टली कर देता हूँ मैं. a11 और 1, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1, 1 -6 एंड 1, 2, 4. सिमिलरली 2, 1 आपका -3 यहाँ आ गया और ये आ गया 2. ठीक है? एडजॉइंट ए मिल गया आपको. नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो ए आपके पास मैट्रिक्स जो है 2, 3 -4, -6 मल्टीप्लाइड विद इट्स एडजॉइंट, दैट इज -6 -3, 4, 2. ठीक है? मल्टीप्लीकेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर 2 into 2, 2 into 2. मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड. ये दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है? रिजल्टेंट जो आती है वो नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स. तो 2 into 2 की रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स आने वाली है. देखिएगा, ये इस पे सुपर इम्पोज होते ही -12 + 12. ओके? -6 + 6, 24 - 24, और सिंपली यहाँ आपने किया 12 - 12. सो रिजल्ट क्या आया आपके पास सारा कैंसिल आउट होने के बाद? 0 0 0 0. सो दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स. 0 0 आ गई हमारे पास, 0 मैट्रिक्स हो गई. अब सेकंड जो हमें चेक करना है उसको कंसिडर कीजिएगा. एडजॉइंट ए इंटू ए, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट राइट एडजॉइंट एंड देन ए. ए आपका हो गया 2, 3 -4 -6. क्लियर? इनका प्रोडक्ट करते हैं. प्रोडक्ट करने पे आपको क्लियर हो जाएगा. अभी देखिएगा, -12, ये साइन प्लस बन जाएगा 12. ये देखिएगा -18 + 18, ये हो गया आपका 8 -8, और ये हो गया 12 - 12.
अगेन कैंसिल आउट हो गया सारा और आपके पास 0000. सो अभी इससे क्या पता चला, ये दोनों चीज़ें तो हमारी इक्वल आ गई, ए इंटू एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट ए इंटू ए. नाउ थर्ड पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लीजिएगा. यहीं करके मैं आपको दिखा देता हूँ, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, सो सेकेंड ऑर्डर डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट. सो माइनस 12 माइनस 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 प्लस 12. क्लियर, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12. सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. सो थर्ड जो आपका पार्ट है वो देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, दैट इज डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेनी थी 1 0 0 1. 0 से जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा आपका 0 0 0 0. क्लियर, सो वी कैन से दैट एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स. क्लियर है, ये रिलेशनशिप आपने वेरीफाई कर दी है, यही आपको वेरीफिकेशन करना था. ठीक है, थर्ड ऑर्डर में सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड देन एडजॉइंट ए. आफ्टर दैट देर आर थ्री पोर्शन, फर्स्ट वन ए इंटू एडजॉइंट ए, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए. इन सेकेंड पोर्शन एडजॉइंट ए इंटू ए, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए एंड ए. एंड इन द लास्ट वन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड विथ रेस्पेक्टिव यूनिट मैट्रिक्स. इफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल देन द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 3 × 3, सो थर्ड ऑर्डर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है. बट फर्स्ट वी नीड टू कन्फर्म दैट, सबसे पहले क्या कन्फर्म करना पड़ेगा, दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट नेवर इज इक्वल टू 0. 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो लेट कर लेते हैं इसी को, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट ए मैट्रिक्स आपने लेट की, ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. फर्स्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग इट यहाँ मेंशन कीजिएगा, एक्सपेंडिंग इट अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग आप क्या कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा. तो जैसे ही आपने एक्सपेंड किया, जैसे ही आपने एक्सपेंड किया क्या मिलेगा देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 और ये डिलीट हुआ 10 माइनस 0. माइनस 0 इंटू हमें करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 इंटू आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों 0 मल्टीप्लाई होके इसके साथ में जो भी वैल्यू होगी उसको 0 बना देंगे. सो आपके पास कितना आ गया है यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 इंटू 1. देयर फोर डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट. आप यहाँ मेंशन कीजिएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. व्हाई, बिकॉज इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ए इनवर्स फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू इट्स एडजॉइंट. सो वी नीड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, बिकॉज ऑलरेडी वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए 10 आ गया. अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है. एडजॉइंट ए के लिए देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस साइड में मैं फाइंड कर लेता हूँ बिकॉज सामने रहेगा तो क्लियर रहेगा, ठीक है. आप पेज के नोटबुक में नीचे की साइड करना, बिकॉज हमें मैट्रिक्स यहीं प्रेजेंट है, बार बार स्लाइड नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ कर लेते हैं. देखिए एलिमेंट्स की मैं पोजिशन लिख देता हूँ, ए 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 एंड 3 3. दीज आर द कोफैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. साइन जो है हम डायरेक्टली अलॉट कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा आपको पता है,
जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ मैं शो नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव आएगा वहाँ कर देता हूँ। ये नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये सारी ऑड पावर्स बनेंगी, माइनस वन रेज टू द पावर, सो माइनस का साइन हमने यहाँ यूज़ किया है। अब देखिएगा A11 के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसको डिलीट किया, 10 माइनस 0 ये हो गया आपका 10। नेक्स्ट A12 के लिए फाइंड आउट करते हो, 0 माइनस 0 0। 13 के लिए फाइंड आउट करते हो, 0 माइनस 0 अगेन 0। 21 के लिए फाइंड आउट करते हो, 10 माइनस, सो आपके पास माइनस 10 आ गया। नेक्स्ट 22 के लिए फाइंड करते हो, 5 माइनस 0 ये आपका 5 आ गया। 23 के लिए फाइंड आउट करते हो, 0 अगेन 0। 31 के लिए फाइंड आउट करते हो, 8 माइनस 6 2, ठीक है, ये आपको आता है इसलिए मैं थोड़े स्पीड से कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंसिल किया, 4 अगेन 4, एंड द लास्ट वन 2 0 ये आ गया आपका 2। दीज आर द कोफैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ एडजॉइंट ए, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ। एडजॉइंट ए, वी नो दैट the matrix formed by the cofactors and its transpose. So मैं transpose direct कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, A11, 12, 13, 21, 22, 23 and 31, 32, 33. Okay? Substitute the values of cofactors. So cofactors की यहाँ पर values substitute करते हैं, ये आ गया आपका 10, ये आ गया 0, ये आ गया 0. ओके, 21 की बात करते हो, ये आ गया माइनस 10, ये आ गया 5 और ये आ गया 0, और 2 माइनस 4 2. ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली कर दिया है, सो यहाँ मैंने ट्रांसपोज नहीं लिखा है, ठीक है। दिस एडजॉइंट सब्सटीट्यूट इन ए इनवर्स, ए इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला है उसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर से मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू इट्स एडजॉइंट। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ऑल्सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए फ्रॉम द अबव इक्वेशन, 10 माइनस 10 2, 0 5 माइनस 4 0 0 2, एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 10। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ देखिएगा 10, सो सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू, दैट इज ए इनवर्स, क्लियर। इफ दिस नंबर डिवाइड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स देन डिवाइड, अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। सो ए इनवर्स फाइंड करना कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं, सिंपली कोफैक्टर्स फाइंड करो, एडजॉइंट फाइंड करो एंड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, सब्सटीट्यूट कर दो उनके वैल्यूज़ को और हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा वहीं पे ही, ठीक है। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके अच्छे क्वेश्चंस जो बाकी हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।